कि इस प्रातः काल में जितने भी आप श्रद्धालु जप करता है इस पवित्र हरिनाम की जप की सेशन में चयन किए हैं, सभी के इसी चरण में मेरा सादर प्रणाम। तो आज हमारे गीता चर्चा के क्रम में श्लोक संख्या 13 में तो पटपट नहीं, 13-14 दोनों क्रम में ततः शंखश्च वीर्यश्च प्रणवानक गोमुखः सहस्यैवाभ्यन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। तत्पश्चात शंख, नागाड़े, बिगुल, तुरही और सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तो इसमें प्रभुपाद जी ने कुछ लिखे नहीं है। तो टेक्स्ट नंबर 14 ततः स्वेतेर हैरिजुक्ते महति स्यंदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। तो प्रभुपाद कहते हैं भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंख को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंख के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडव के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम जयसंग पक्ष जनार्दन। जय सदा पांडुपुत्रों को, पांडुपुत्र जैसा की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है। और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वह अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन के अग्निदेवता अर्जुन को अग्निदेवता द्वारा प्रदत्त था। और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी यह जाएगा वहां विजय निश्चित है। तो ये दो श्लोक में संजय अभी ये बताना चाह रहे हैं कि महाप्रतापी सेनाध्यक्ष भीष्म जब अपने शंखनाद किए बड़े जोर से तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा। जैसे पितामह भीष्म ने प्रतापवान अपना शंखनाद किया तो इमीडिएट उसका इफेक्ट दोनों पक्षों की सेनाओं में पड़ा। दोनों पक्ष सेनाओं में विभिन्न प्रकार की कम से कम दोनों पक्ष सेना दे आर गेट रेडी, उनके अंदर उत्सुकता आ गया लड़ाई के लिए, तत्पर हो गए लड़ाई के लिए उत्सुक हो गए। और विशेष करके कौरवों के पक्ष के जितने और सब थे सभी ने अपने अपने बजाए। यद्यपि भीष्म ने युद्ध आरम्भ करने के लिए शंखनाद नहीं किया था कि सबको बजाने के लिए ही, इसलिए नहीं बजा था, उनका शंख बजाने के कारण था तत्संजनयन हर्षम। तो दुर्योधन को थोड़ा एनचेंटिंग करने के लिए, दुर्योधन को थोड़ा खुश करने के लिए उन्होंने शंख बजाया था, लेकिन दुर्योधन खुश हुआ कि नहीं हुआ। अब दोनों ओर से लड़ाई के लिए प्रस्तुत हो गए और कौरव सेना में जितने सब बड़े जिनके हाथ में जो था वाद्य सब बजाने लगे। इसमें ही बताया गया ततः तुरंत जैसे विश्वामित्र ने शंखनाद किए तो बाकी जिनके हाथ में शंख था उनके सेना में सब शंख बजाने लगे, भेरी तुरी बजाने लगे। प्रणव कहते हैं ढोल को, पखावज को, ढोल से थोड़ा बड़ा होता है पखावज। प्रणव अनक मृदंग है, गोमुखा गाय के सिंग से बना हुआ था, एक प्रकार सिंगा बोलते हैं, विजय सिंह बोलते हैं, नरसिंह। ओ ये सब तभी जमाने के जो जो
युद्ध वाद्य था जिसको लेकर गए थे, इसके पास था, सब बजाने लगे। सहसा अभ्यनता स शब्द, और तुरंत इतने जोर से शब्द हुआ कि बहुत भयानक शब्द, तुम लोग भवत, तो एक साथ सब बुझ उठे। सहसा मतलब एक साथ में, कई वाद्य एक साथ में बजना, कितने बड़ी साउंड होगा। आप लोग तो सब भगवान के आरती दर्शन करते हैं, आजकल आरती में हम देखते हैं कि आदमी तो नहीं होते टेम्पल में, सो आप लोगों का काम होता तो एक मशीन में लगा देते हैं, तो एक साथ में मशीन से कई वाद्य बजा देता है, घंटी भी, नगाड़ा भी है, घंटा भी, और क्या क्या सब बजाता है मशीन में। और जाकर देखो तो इतनी सारे बजाते हैं, बजाने वाला कोई नहीं इलेक्ट्रिसिटी बजाता है लेकिन यहाँ ऐसे इलेक्ट्रिसिटी से नहीं बजता था, प्रत्येक वाद्य को बजाने वाले व्यक्ति थे, चाहे कोई पदातिक, कोई अश्वारोही, कोई गजारोही, कोई रथी, सब अपना अपना स्थिति में बैठ करके अपने अपने वाद्य बजा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ ना, ततः, उसके बाद ततः स्वेतेर हैर झुकते, हय मतलब घोड़े, श्वेत मतलब सफेद, श्वेत हैर झुकते महती संदने स्थितो। ये लाइन में संजय ने ये देख रहे हैं अर्जुन के रथ को, अर्जुन के रथ को देखे कि उनका महत्व वर्णन करते हैं धृतराष्ट्र के सामने। बोले धृतराष्ट्र जी देख लीजिए आप, ये जो रथ दिखता है ना इससे पता चल जाता है ना, अरे उनका घोड़ा को तो देखो, उनका इंजन देखो, हर्ष पावर क्या है कितने हर्ष पावर का। एक्चुअली अग्निदेव ने ये घोड़े दिए थे और रथ दिए थे अर्जुन को, तो उसमें से ये जो घोड़े थे ये 100 घोड़े थे, 100 घोड़े उनका विलक्षणता ये था कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, वो कितने भी युद्ध में मर जाए वो हमेशा 100 रहेंगे, कभी कमी नहीं पड़ेंगे ऐसे दिव्य घोड़े थे, उनका नंबर कभी डाउन नहीं होगा, सबको मार दो फिर भी 100 रहेंगे। और वो लोग केवल बाई रोड नहीं, बाई एयर, बाई वाटर कहीं भी चल सकते हैं, ये सब दिव्य घोड़े थे, ये हर्ष पावर के इंजन का आजकल बनाते नहीं लोग, तो ये दिव्य घोड़े थे। और जो उनका रथ था वो भी अग्निदेव ने दिए थे उनको, जब खांडव वन को अर्जुन के सहायता से अग्निदेव ने खाए थे, अग्निदेव को एक्चुअली बहुत आहुति ले लेकर के उनको एक बीमारी हो गया, अजीर्ण हो गया, इंडाइजेशन हो गया, अग्नि को, अग्निदेव को इंडाइजेशन हो गया बाकी तो कोई इंडाइजेशन होता कि मंद अग्नि हो गया, अग्नि मंद पड़ गया, लेकिन साक्षात अग्निदेव को भी इंडाइजेशन हो गया था, इंडाइजेशन हो गया तो इतने घी खा करके, तो उन्होंने कंसल्ट किए, ब्रह्मा जी बोले तो बिल्कुल बीमार हो गया, क्या करो क्या करो, धनवंतरी अग्रह को कंसल्ट किए, वो बोले कि देखो बहुत सारे जड़ी बूटियां हैं सबको खा जाना पड़ेगा तब जाके ठीक हो इंडाइजेशन। और कहा खंडव वन देवताओं के पास एक जंगल था, सारे जंगल को खा जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि ये डोज पानी मिलाकर खा लो, अग्नि देवता एक डोने एक जंगल को खाना पड़ेगा पूरा जलाकर खा जाओ तो ठीक हो जाएगा इंडाइजेशन। तो वन को खाने के लिए देवता लोग ने सुरक्षा करते थे, जब ये आग जलाएंगे इंद्र ने बारिश कर देगा, आग बुझ जाएगा, तो किसी प्रकार से मेडिसिन नहीं खा पा रहे थे, मेडिसिन खाने नहीं दे रहे थे उनका इंडाइजेशन, पड़े सफरिंग कर रहे थे। तब किसी ने ब्रह्मा जी के पास है उन्होंने दोबारा ठीक नहीं होता, दवाई पता चला दवाई खाने नहीं देते वो लोग, टैबलेट मुंह में लेता हूँ उड़ा देते हैं, तो बोलते हैं कि ऐसा काम नहीं चलेगा, आप जाओ अर्जुन के हेल्प लो, अर्जुन के साथ भगवान है और काम बन जाएगा। तो जाकर कृष्ण अर्जुन को उन्होंने बहुत प्रार्थना किया, तो अर्जुन प्रति प्रमिश कर दे, बोले ओके नो प्रॉब्लम, अर्जुन प्रमित गए, भगवान बोले देखो मुझे पीछा बोले बिना पूछे प्रमिश कर लिया तो मुझे हेल्प तो करना ही पड़ेगा, किंतु बोल दिया तो मेरा ही बात है, भगवान ने हेल्प किए तो अर्जुन और कृष्ण के सामने कोई देवता टिक नहीं सके, इंद्र फिंद्र सब उनके बाप भी हार गए सब हार गए, तो अग्निदेव पूरा समुद्र से खंडव वन को जला कर रखकर खा गए सारे जड़ी बूटी, तो ठीक हो गए। इसके कारण से अपने कृतज्ञता प्रकाश करने के लिए गिफ्ट के रूप में रथ ला कर दिए थे, ये इतने बड़ा रथ था बिल्कुल सोने में था, सोने बना था, उनका चक्का सब कभी पंचर होने वाला नहीं था, मतलब कभी एक्सिल फोक टूटने वाला नहीं था, बिल्कुल अजर अमर रथ था। रथ तो कितना बड़ा था
इसमें बताया जाता है कि जो अग्निदेव के साथ युद्ध थे उसमें 9 बैलगाड़ियों में जितने समान अस्त्र शस्त्र आता है ये इतने में एक इसी रथ में रहता था। तब बैल भी बड़े बड़े होते हैं, बैलगाड़ियां बड़े बड़े होते हैं, 9 बैलगाड़ी में जितने समान अस्त्र शस्त्र आता था अर्जुन के इस रथ में इतने ही समान था, क्योंकि इतने बड़ा रथ था, स्पेशियस था। और रथ का ऊपर जो ध्वजा था, ध्वजा बोलते पताका, फ्लाग, तो फ्लाग का महाभारत में वर्णन है कि उनका लंबा था 4 कोस। 4 कोस कितने मील होगा? 8 मील तो लगभग, 8 मील लंबा उसका पता फ्लाग था। अब तो हम लोग तो गाड़ी लेकर जाना पड़ेगा नापने के लिए, पताका को नापने के लिए हमको कार में जाना पड़ेगा। इतने बड़ा 4 कोस लंबा ध्वजा था, कितने बड़ा ऊंचा होगा रथ से पता लगा लो। और वो वर्णन है कि वो इतने लंबा 8 मील लंबा, 8 मील मतलब कितने किलोमीटर होगा? 12 किलोमीटर को लगभग, 12 किलोमीटर लंबा झंडा। तो कभी कहीं जंगल में पेड़ पर समझो रथ चलता था, फंसता नहीं था, कभी झूलता नहीं था, हमेशा फर फर कर सीधा रहता। ये अग्निदेवों को विशेषता था, प्रदान था। तो कभी ऐसे सुकड़ेगा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पता झंडा लटक जाता ना, मुझे जाता, बोले इसे कभी नहीं होगा, सीधा स्ट्रेट पर उड़ते रहेगा 12 किलोमीटर तक। और जिसी में हनुमान बैठे रहते थे, कपि ध्वज इसलिए कहा गया, बिल्कुल हनुमान जी बैठते हैं उसे, इतने बड़े रथ पता का चाहे कपि नहीं बैठते थे। तो इसलिए इस रथ को भी दिखा करके संजय ने बता रहे कि बोले देखो अब जीतेंगे नहीं जीतेंगे, गाड़ी ही उनका देख लो, जीत रहे यही बता देता है कि जीतेंगे, स्वतर है उनका इंजिन देखो क्या है, गाड़ी देखो क्या है। और इसी में फिर कौन बैठे? माधव सबसे पहले अर्जुन का बात नहीं की, अरे अर्जुन का रथ है, अर्जुन लड़ेगा, लेकिन ड्राइवर का नाम पहले देते हैं। पहले गाड़ी घोड़ा, फिर गाड़ी, और बाद में ड्राइवर। उसके बाद में माधव, माँ मतलब लक्ष्मी, धव मतलब पति, लक्ष्मीपति भगवान जहाँ बैठे हैं, जहाँ लक्ष्मी है, यहाँ कोई और सौभाग्य है, हतभाग्य तो हो ही नहीं सकता, तुम हतभागा देख कर समझ लो सौभाग्य कहाँ पे। धृतराष्ट्र को संजय ने बता रहे देखो सौभाग्य की पति जहां बैठे हैं, सौभाग्य के हस्बैंड जहां बैठे हैं, तो सौभाग्य आपके पास आएगा, आप हतभागे। माधव और पांडव, यहाँ अर्जुन को पांडव क्यों कहते हैं? पांडव तो 5 होते हैं केवल, अर्जुन को क्योंकि पांडव में अर्जुन मुख्य, भगवान स्वयं कहे पांडवानाम धनंजय, मैं पांडवों में मैं ही हूँ, क्योंकि अर्जुन साक्षात कोई साधारण नहीं थे, वो नर थे, और दिव्य थे, नर नारायण भगवान के सखा, बद्री नारायण में जिसको डेली हम पूजा करते हैं देखते हैं, वो नर है, भगवान की प्रिय सखा, नित्य सखा नर है। तो इसलिए भगवान कहते हैं मेरे विभूति है अर्जुन, पांडवानां धनंजय, पांडवों में मैं धनंजय हूँ। तो इसलिए पांडव कहने से अर्जुन के समझाता है, वही मुख्य थे उसके अंदर। पांडव सैव दिव्य शंख प्रदत्त हूँ, शंख भी उनका दिव्य था, विष्णुदेव का बड़ा प्रतापवान, बड़ा साइज का, बहुत आवाज होता था, लेकिन ये जो दिव्य शंख था ये तो केवल अर्जुन और कृष्ण का नर नारायण के पास था, उसका दिव्य प्रभाव पड़ेगा। तो ये वर्तमान संजय ने धृतराष्ट्र के सामने, अब ये उनके सौभाग्य, उनके जीत होगा, इनडायरेक्टली बता दिया, बोला उनका गाड़ी इंजिन कैसा है, उनका ड्राइवर कैसा है, उनका गाड़ी कैसा है, गाड़ी के ऊपर कितने लंबा चौड़ा है, और गाड़ी में बैठने वाला ड्राइवर कैसा है, और फिर गाड़ी का ओनर कैसा है, समझता है, और जो शंख बजाए वो भी कैसा है। इससे ही मतलब धृतराष्ट्र बिल्कुल मुंह मोड़ समझ गया, बोले गया चांस तो गया, अब तो कोई जितने का आशा छोड़ दो, बोले छोड़ दो बेटा, और आशा मत करो। अभी तो केवल शंख बजाए करके, वो क्या शंख बजाए उसके आगे फिर बताएंगे, लेकिन संजय ने ये 2 श्लोक में धृतराष्ट्र को भीष्म का शंख बजाने का क्या इफेक्ट पड़ा उसको बताया, और उसके बाद में तुरंत प्रतिपक्ष में कौन शंख बजाया और कैसे कैसे शंख बजाए, किस किस स्थिति था उसको वर्णन कर। हरे कृष्ण। थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस ऑन दिस वंडरफुल श्लोका। सो आपने बताया कि एवरीवन दैट इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा, दैट इज ऑल ट्रांसेंडेंटल। अगर ड्राइवर हमारी लाइफ के ऐसे हैं तो सब कुछ ट्रांसेंडेंटल होगा, जैसे कि पर्पट में
प्रभुपाद जी ने बताया, विक्ट्री इज गारंटीड और जो गॉडेस ऑफ फॉर्चून है वो भी हमारे साथ रहेंगी। तो हमारा जो ये आपने इतना अच्छा ट्रांसडेंटल वाइब्रेशंस दिया, ये हमारा रथ है, हमारी लाइफ का रथ आपने हमें दिया है, गिफ्ट दिया है। तो वेदर वी आर फाइटिंग अ वॉर और वी आर रनिंग अ बिजनेस और अ हाउस होल्ड लेडी हु इज रनिंग अ हाउस, इफ वी जस्ट लाइक कृष्ण लेसेस लाइक अर्जुन, इफ वी चूज टू हैव कृष्णा ऑन अवर साइड, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। तो हमें एक ही कार्य करना है कि कृष्ण को अपनी साइड में रखना है, जैसे कि अर्जुन ने चूज किया, और then everything will be, victory is guaranteed for this lifetime. Thank you, Maharaj. Thank you so much for giving this transcendental knowledge. So anybody who has a question, please feel free to ask. Yes, Vindeshwari. Hare Krishna, Maharaj. Thank you so much. Thank you so much, Maharaj. Maharaj, meri question hai. Maine suna tha kisi lecture mein ki bataya tha ki jab लास्ट में युद्ध खत्म हो गया तो कृष्णा रथ से उन्होंने बोला अर्जुन पहले तुम उतरो रथ से फिर मैं उतरूंगा, और जैसे कृष्णा रथ से उतरे थे तो सारा रथ नष्ट हो गया था। तुम्हारा जैसे क्यों हुआ था? क्योंकि अग्निदेव दिया था, अग्निदेव ले ली, आग में जल गया, क्योंकि इतने सारे बाण लगा था, जितने विपक्ष में थे सभी ने तो टारगेट होने क्यों कर रहे थे, तो रथ में कितने बाण था उसका इफेक्ट कृष्ण बैठे थे इसलिए कोई हो नहीं रहा, बहुत पावरफुल बाण मारे ने कृष्ण उसको पुचका दी और रथ में रखा दी, तो इफेक्ट नहीं कर रहा था। तो इसलिए जब वार खत्म हुआ गाड़ी लेकर कृष्ण आए तो अर्जुन बोला था अब उतरिए मैं उतर जाता हूँ, भगवान बोले नहीं 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 पहले तुम उतरो ना, क्यों मैं बोलता हूँ आप उतरो, बाबा बात सुनो पहले तुम उतरो, तो भगवान जो डांट कर बोलते उतरो करके, तब फिर अर्जुन उतर गए, उतर जाने के बाद खड़े होकर देखने लगे मुझे क्यों पहले उतार दी, क्या स्पेशलिटी, तब भगवान धीरे से उतरे, जैसे उतर गए फर्स्ट कर आग लगा, रस्ट हो गया, पूरा चल गया रथ। तो वो देख करके अर्जुन डर गया, बाप रे बाप, मैं अगर आप पहले उतर जाते तो मैं जल कर आग ना, इसलिए तो बोला पहले उतरो, जानते नहीं था कितने हाई पावर उसमें सब रोक करके रखा था, कितने कितने लोग महा महा सब एटॉमिक बम क्या क्या सब चला थे, उसको सब एक्टिव नहीं डीएक्टिव कर दिया था मैंने, लेकिन जैसे मैं उतर गया मेरे प्रेजेंस में कोई काम नहीं कर रहा था, मैं उतर गया सब एक्टिव हो गए एक साथ ही। अल्टीमेटली अग्नि के दिया हुआ रथ इसी भी जीतने के लिए दिया था अर्जुन का मेन चैलेंज में, मैं जीत गया फिर अर्जुन, लेकिन ले लिया उसको, उनका ही था सारे सामान। यस, श्रीमती राधिका देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच महाराज जी, इतना सुंदर सुबह सुबह आपके मुख से सुनने को मिलता है भगवद गीता, जो कि सबका डिजायर होता है। थैंक यू सो मच। तो आज आपने बताया महाराज जी कि अभी तो सिर्फ शंख ही बचाया है, अभी यहाँ पर सिर्फ शंख बचाया है कृष्ण और अर्जुन ने, और उसी से घोषणा होगी कि जीत पांडु पक्ष की होगी। तो और उधर सिर्फ जो भीष्म पितामह ने जो शंख बजाया है वो सिर्फ दुर्योधन को तुष्ट करने के लिए, कि उसकी संतुष्टि के लिए बचाया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे भगवान अर्जुन के साथ में है तो सारी ऑस्पिशियस चीजें जो हैं वो होने लगती हैं, तो ऐसे भगवान को अगर अपने पक्ष में रखते हैं तो अगेन के प्रकार सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं हमारे जीवन में। तो जैसे महाराज जी हमारे आप सुबह सुबह आपके मुख से हम सुनते हैं। थैंक यू सो मच महाराज जी, धन्यवाद। थैंक यू माता जी। सुरेखा माता जी। हरे कृष्णा महाराज, हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज, धन्यवाद प्रणाम सबको। तो महाराज मेरी आज की रियलाइजेशन ये है कि जिस तरह से अर्जुन के रथ के ऊपर पताका हनुमान जी का है, तो वो एक तरह से मेरे ख्याल से हनुमान जी के प्रति उनकी समर्पण है, कि जिस तरह से हनुमान जी ने श्री राम जी के लिए उनकी सेवा भाव रखा मन में, उसी तरह अर्जुन के मन में भी समर्पण और सेवा भाव है भगवान कृष्ण के प्रति, और आपके मन में भी उसी तरह आपने गुरु महाराज और प्रभुपाद जी के लिए सेवा और समर्पण भाव है। तो हम लोग पे आप मर्सी कीजिए कि हम आपको ही अपने हृदय में धारण करके प्रभुपाद जी को और लॉर्ड कृष्णा को प्रसन्न कर सके। आपकी मर्सी बस हमेशा हम पे बनी रहे। दीजिए आपको